खेती तथा खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए अभी एग्रोस्टार एग्री डॉक्टर ऐप डाउनलोड करें और खेती से जुड़े रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा, विभाग अध्यक्ष कृषि संकाय, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। प्रिय किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा का विषय है कि खीरे की फसल के अच्छे वृद्धि विकास के लिए क्या करें जिससे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, खीरा जायद की एक प्रमुख फसल है। खीरा एक बहुत ही गुणकारी फसल होने के कारण किसान भाइयों के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खीरे में अधिक मात्रा में फाइबर होने के कारण ये कब्ज से निजात दिलाता है। पीलिया, प्यास, ज्वर, शरीर में जलन, गर्मी के सारे दोष चर्म रोग में लाभदायक है। इसी प्रकार खीरा अपने औषधीय गुणों के कारण विश्व प्रसिद्ध फलों के श्रेणी में रखा जाता है। किसान भाइयों, खीरे की फसल में अच्छे वृद्धि विकास के लिए बुआई के 10 से 12 दिन बाद ह्यूमिक एसिड 95% 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके 4 दिन बाद पानी में घुलनशील उर्वरक NPK 19-19-19 1 किलोग्राम के साथ सूक्ष्म पोषक तत्व 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। यदि ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में ह्यूमिक एसिड 95% 250 ग्राम प्रति एकड़ ड्रिप के माध्यम से दें तथा इसके 2 दिन बाद पानी में घुलनशील उर्वरक NPK 19-19-19 3 किलोग्राम के साथ सूक्ष्म पोषक तत्व 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से ड्रिप के माध्यम से दें। किसान भाइयों, यदि दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने किसान साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें और बने रहें ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एग्रो स्टार के साथ। धन्यवाद।